हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 1996 में आई कैनेडियन अमेरिकन वेयरवुल्फ मूवी बैड मून का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर और डायरेक्टर हैं एरिक रेड। ये बेस्ड है वेन स्मिथ की नॉवल थॉर पर और ये काफी अंडररेटेड मूवी है, लेकिन इसकी एक कल्ट फॉलोइंग भी है। वीडियो के एंड में मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है नेपाल में और हम देखते हैं टेड और उसकी गर्लफ्रेंड मार्जरी को, जो काम के सिलसिले में यहाँ पर आए थे, लेकिन अभी तो ये दोनों बिजी हैं। हम देखते हैं कि आज फुल मून है और इसी बीच उनके कैंप में घुस जाता है एक वेयरवुल्फ। पहले वो मारता है गार्ड्स को, इसके बाद वो खींच लेता है मार्जरी को। वो उसे बुरी तरह चीर फाड़ रहा था। टेड ने बचाने की कोशिश की तो उसने टेड को भी काट लिया। यह टेड को उठानी पड़ी अपनी गन और गन से उसने भेड़िए की खोपड़ी उड़ा दी, लेकिन तब तक मार्जरी भी मर चुकी थी। अब भेड़िया तो मर गया, लेकिन इसे भेड़िया ने काटा है, इसलिए अब गार्ड्स पास ऑन होगा और ये बन जाएगा अगला वेयरवुल्फ। मूवी की ओपनिंग काफी जबरदस्त है, स्टार्टिंग में भयानक गोर दिखा दिया। इसके बाद हम आ जाते हैं अमेरिका में, जहां हम देखते हैं ब्रेट नाम के एक बच्चे को, जो खेल रहा था अपने डॉग थॉर के साथ। तभी उनके पास आ जाता है एक सेल्समैन। वो ब्रेट के साथ बकवास कर रहा था, तभी बाहर आ जाती है उसकी मॉम जेनेट। वो जेनेट को बुक्स बेचना चाह रहा था, लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं थी, इसलिए उसने अपनाई दूसरी ट्रैक। उसने थॉर को ट्रिगर किया ताकि वो अटैक करे और उसने कर भी दिया। अब वो जेनेट को लॉयर की धमकी दे रहा था, लेकिन जेनेट को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो खुद एक लॉयर है। इसका ये पैंतरा भी काम नहीं आया। जेनेट ने उसे अच्छा खासा बेइज्जत करके भगा दिया। हम देखते हैं कि थॉर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है। रात को पहले वो जाता है ब्रेट के रूम में उसे चेक करने, फिर इसके बाद वो जाता है जेनेट के पास और जब वो गुड नाइट बोल देती है तब वो नीचे जाकर सो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं फॉरेस्ट रेंजर को, जो अपने काम में लगा हुआ था, तभी वेयरवुल्फ अटैक करके उसे मार देता है और आज है फुल मून। अगली सुबह जेनेट के पास फोन आता है टेड का, क्योंकि ये उसकी बहन है। वो बताता है कि पिछले 3 महीनों से वो यहीं पे पास में रह रहा है और ये सुनकर वो नाराज हो गई, क्योंकि इसे तो यही पता था कि वो नेपाल में है। ये सुनते ही वो ब्रेट और थॉर को लेकर पहुंच गई लेक पर, जहां टेड रह रहा था एक ट्रेलर में। यहाँ मेल मिलाप हुआ और वो तीनों चल दिए ट्रेलर में, लेकिन थॉर कुछ और ही काम में लगा था। एक स्मेल को ट्रेस करते हुए वो पहुंच गया जंगल में, जहाँ किसी इंसान के चीथड़े लटके हुए थे पेड़ पर। इधर टेड का परेशान चेहरा देखकर जेंट ने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, तो उसने बताया कि मार्जरी मुझे छोड़कर चली गई सिएटल। उसने ये नहीं बताया कि वो मर गई। अंदर ब्रेड टाइम पास कर रहा था, तभी उसे मिल गई एक बुक जो थी वेयरवुल्फ के बारे में। वो उसे देख ही रहा था कि तभी थॉर ने आकर उसे डरा दिया और उसके पीछे वो दोनों भी अंदर आ रहे थे, इसलिए ब्रेड ने जल्दी से बुक को वापस रख दिया। यहाँ हम देख पाते हैं कि टेड को लेकर थॉर कंफ्यूज है। वो समझ नहीं पा रहा कि टेड कोई खतरा है या फिर फैमिली। अब ऐसी बातें करते करते शाम हो गई थी, तभी अचानक टेड ने जेंट को बोला कि अब तुम्हें जाना चाहिए, क्योंकि रात में तो यह बन जाएगा भेड़िया। वो उसे साथ चलने के लिए कह रही थी, लेकिन वो नहीं आ सकता। वो कहता है कि मैं मिलने आऊंगा। ये सुनकर जेनेट चली जाती है और वो भी चला जाता है ट्रेलर में। लेकिन अगली सुबह वो जेनेट को कॉल करता है और वो काफी परेशान था। होना भी चाहिए, क्योंकि उस पूरे एरिया को पुलिस ने सील कर दिया। वहाँ कई सारी डेड बॉडीज मिली है जिन्हें मारा है किसी जंगली जानवर ने, इसलिए अब टेड को भी ये एरिया खाली करना होगा और यही रीजन है कि इसने जेनेट को कॉल की। ये अपना ट्रेलर लेकर जेनेट के बैकयार्ड में रहना चाहता है और जेनेट ने हाँ भी कर दी, लेकिन टेड ने उसे ये नहीं बताया कि असल में हुआ क्या। उसने बस ये बोला कि मुझे फैमिली के साथ रहना है। वो अपना ट्रेलर लेकर वहां पहुंच गया और उसके बैग में जेनेट को मिली हथकड़ियां, लेकिन जेनेट ने इसे ज्यादा सीरियस नहीं लिया। वो उसे खाने पर बुलाती है, लेकिन वो कहता है कि मैं जॉगिंग पर जा रहा हूं। अंधेरा होते ही वो हथकड़ियां लेकर जंगल में चल दिया और उसे जाते हुए देख रहा था थॉर। वो पूरा बेचैन हो गया था, इसलिए जेनेट ने दरवाजा खोल दिया और वो चल दिया टेड के पीछे। वहां पहुंचकर वो देखता है कि टेड बदल चुका था भेड़िए में और हथकड़ी से उसने खुद को बांधा हुआ था पेड़ के साथ, ताकि वो किसी पर अटैक ना करे। थॉर ने भौंकना शुरू कर दिया था, इसलिए जेनेट भी वहां आ ही गई थी और उसकी आवाज सुनकर थॉर उसके पास पहुंच गया। वो उसे आगे ले जाना चाह रहा था, लेकिन जेनेट उसे वापस ले गई। अब इतना तो कहना पड़ेगा कि वेयरवुल्फ एकदम बेस्ट है। ऐसा आपने शायद ही किसी मूवी में देखा होगा और आगे भी शायद ही आप देखोगे। अगली सुबह टीवी के जरिए जेनेट को पता चल जाता है कि असल में लेक पर हुआ क्या। जब वो टेड से इसके बारे में पूछती है तो वो कहता है कि मैं तुम्हें बताने वाला था। यहाँ भी थॉर टेड के ऊपर गुर्रा रहा था। वो अंदर जाता है तो ब्रेट टीवी पर देख रहा था वेयरवुल्फ ऑफ लंडन। उसका ट्रांसफॉर्मेशन सीन देखकर वो हंसने लगा। वो ब्रेट को बताता है कि मूवीज में ऐसा दिखाया जाता है कि इंसान भेड़िए में तभी बदलता है जब फुल मून हो, लेकिन असल में ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ हम समझ गए कि ये हर रात भेड़िए में बदलता है। ब्रेट कहता है कि आपको तो वेयरवुल्फ के बारे में कुछ भी नहीं पता, और जो भी बातें ये कर रहे हैं, जो भी फेमस है वेयरवुल्फ के बारे में, वो सब फेमस की थी द वुल्फमैन ने। टेड जेनेट से पूछता है कि कल रात क्या हुआ था। वो उसे सब कुछ बता देती है और ये सुनकर वो कहता है कि डॉग के बिहेवियर पर ध्यान दो, ब्रेट को घर में रखो, बाहर खतरा हो सकता है। और ये सब बोलते हुए वो काफी हाइपर हो गया। वो कहता है कि कोई भेड़िया लोगों को मार रहा है, जबकि टीवी पर बताया गया था भालू। यहाँ टेड अपनी चिंता जता रहा है इस फैमिली के लिए, जबकि खतरा वो खुद है।
खैर उस शाम थॉर पहले से तैयार था। वो टेड को कहीं भी जाने नहीं दे रहा था। तब जेनेट आकर उसे ले गई और तब कहीं जाकर वो निकल पाया, लेकिन तब तक रात हो चुकी थी। थॉर अब भी बेचैन था, इसलिए इस बार ब्रेट ने दरवाजा खोल दिया और वो फिर से चल दिया टेड के पीछे। वहां पहुंचकर वो देखता है कि टेड वहां पर था ही नहीं। वहां उसके कपड़े और हथकड़ियां पड़ी थी, यानी कि वो खुद को बांधने में लेट हो गया और इस वक्त वो भेड़िए में बदलकर सीधा जा रहा होगा इसके घर। थॉर ने जल्दी से भागकर घर के बाहर ही उसे रोक लिया। यहां दोनों में फाइट हुई जिसमें भेड़िया का ही पलड़ा भारी था। शोर सुनकर जेंट ने बाहर की सारी लाइट्स जला दी, इसलिए भेड़िया डरकर भाग गया। जब वो बाहर आई तो थॉर वहां अकेला था और वो भी इंजर्ड। इस बारे में वो शेरिफ को बता देती है और इसके बाद वो सीधा जाती है टेड के पास, लेकिन टेड तो ट्रेलर में था ही नहीं। वह जेंट को मिलती है उसकी डायरी और साथ में कुछ फोटोज जिनमें शामिल थी मार्जरी की लाश की फोटोज, जिन्हें देखकर वो पूरी तरह कांप गई। डायरी पढ़कर तो वो और हैरान हो जाती है क्योंकि उसमें टेड ने लिखा था कि वो बीमार है। रोज रात को वो अचानक बेहोश हो जाता है और उसकी आंख खुलती है अगली सुबह जंगल में। कई बार तो उसके ऊपर खून भी लगा होता है जो उसका नहीं होता। ऑफ कोर्स भेड़िया बनने के बाद उसे कोई होश नहीं रहता होगा। ये सब पढ़ के जेंट को लग रहा था कि शायद इसका भाई कोई सीरियल किलर है और उसे हेल्प चाहिए, तभी वो फैमिली के पास आया। जब वो ये सब पढ़ रही थी तो टेड उसके और करीब आता जा रहा था, फिर भी वो तो वापस घर में चली जाती है, लेकिन तभी वहाँ आ जाता है वो सेल्समैन थॉर को मारने। उसे उम्मीद थी थॉर की, लेकिन मिल गया वेयरवुल्फ जिसने बेरहमी से उसे चीर डाला। उसकी बॉडी मिली घर से थोड़ी दूर, इसलिए शेरिफ पहुंच गया जेंट के पास और जेनेट ने उस सेल्समैन को पहचान लिया। अब क्योंकि पिछली बार थॉर ने उस पर अटैक किया था, इसलिए शेरिफ को लग रहा है कि शायद थॉर ने उसे मारा होगा क्योंकि वो रात को इनके घर में घुसा होगा। रात को थॉर इंजर्ड भी था, इसलिए जेंट भी सोच में पड़ गई। शेरिफ उसे सलाह देता है कि अब थॉर को छोड़ दो, एक बार कुत्ते के मुंह खून लग गया तो वो दोबारा अटैक करेगा। वो शेरिफ से पूछती है कि जो किलिंग जंगल में हुई क्या वो कोई इंसान कर सकता है। शेरिफ कहता है कि नहीं, वो किसी जंगली जानवर का काम है। इसके बाद वो सीधा टेड से जाकर सवाल करती है, लेकिन वो कोई ठीक जवाब नहीं देता। उसे पता चल गया था कि अब वो फंस जाएगा, इसलिए उसने थॉर को ट्रिगर कर दिया और थॉर ने सीधा काट लिया उसके हाथ पर। बड़ी मुश्किल से जेनेट उसे खींचकर अंदर ले गई और बंद कर दिया रूम में। अब यहाँ शेरिफ की बात सच हुई, थॉर ने दोबारा अटैक किया, इसलिए अब एक ही काम बचा था। उसने बुलाया एनिमल कंट्रोल को और वो थॉर को पकड़कर ले गए। ब्रेट को ये अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसकी एक नहीं चली। थॉर चला गया और उनके साथ रह गया टेड। अब फैमिली में टेंशन भी बढ़ गई थी क्योंकि थॉर के जाते ही टेड का बर्ताव अलग था। अब वो हावी हो रहा था इस फैमिली पर क्योंकि फैमिली का प्रोटेक्टर रहा नहीं। वो ब्रेट को दबा रहा था और जता रहा था कि घर अब मेरा है। जेनेट उससे एक बार फिर पूछती है कि मार्जरी कहाँ पर है। वो कहता है कि सियाटल। रात होते ही ब्रेट तो घर से निकल गया थॉर को वापस लाने के लिए। फिर कुछ देर बाद टेड भी चल दिया और इस बार उसके पीछे गई जेनेट। उसने टेड को बंधने से पहले ही पकड़ लिया और यही तो नहीं करना था। अब वो उसके सामने ही बदल रहा है और उसकी बॉडी के साथ साथ चेंज हो रहा है उसका बिहेवियर। यहाँ पर हम देख पाते हैं इस मूवी का ट्रांसफॉर्मेशन सीन, जो कि एकदम बेकार है। अब जेनेट जान बचाकर भाग रही थी और उधर ब्रेट ने थॉर को फ्री कर दिया। अब ये दोनों आ रहे हैं वापस और उधर जेनेट पहुंच चुकी घर। उसने गन उठा ली, लेकिन तभी वहां पहुंच गया भेड़िया। वो जल्दी से भागकर पहुंच जाती है ब्रेट के रूम में, लेकिन ब्रेट वहां पर था नहीं। तभी भेड़िया वहां आ गया और इस बार वो फंस गई। अब वो उसकी जान लेता, उससे पहले ही थॉर ने आकर उसे जकड़ लिया। यह होता है राउंड टू जिसमें भेड़िया ही भारी था, लेकिन इस बार थॉर ने भी उसे इंजर्ड कर दिया। सोचा नहीं था कभी डॉग और वेयरवुल्फ की फाइट देखेंगे। खैर थॉर को उसने उठाकर फेंक दिया और उसके हाथ लग गया ब्रेट। तभी जेनेट ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी जिससे वो रुका तो, लेकिन मरा नहीं। तब बीच में आया थॉर और वो भेड़िया के साथ खुद भी बाहर कूद गया। अब दोनों की हालत बुरी थी, लेकिन भेड़िया उठकर चल दिया जंगल में और थॉर भी कुछ कम नहीं, वो भी उसके पीछे था। सुबह तक वो टेड के पास पहुंच जाता है जो ऑलमोस्ट मर ही रहा था। वो थॉर को कहता है डू इट, इसलिए थॉर ने उसका काम कर दिया। अब ये तीनों फिर से नॉर्मल लाइफ स्टार्ट कर रहे थे और थॉर था इनका हीरो। तभी अचानक वो बदल गया भेड़िए में, लेकिन ये बस जेंट का नाइटमेयर था। फिलहाल ये तीनों ठीक हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो गई। तो स्टोरी के हिसाब से तो मूवी कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके इफेक्ट्स काफी सही थे। भेड़िया एकदम परफेक्ट था, बस कहानी थोड़ी डार्क और दमदार होती ओपनिंग की तरह तो बात बन जाती। इस फिल्म का भेड़िया ही रीजन है इसकी कल्ट फॉलोइंग का। वैसे मेन हीरो था थॉर क्योंकि नॉवल सारी उसी पर है। तो अब बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। इसका बजट था $7 मिलियन और इसने कमाए थे $1.1 मिलियन, यानी कि सुपर फ्लॉप। एरिक रेड इस बजट से काफी खुश थे और ये बहुत ज्यादा रेयर है, नहीं तो डायरेक्टर यही कहते हैं कि बजट थोड़ा ज्यादा होता तो अच्छा होता। कंपनी ने इसे रिलीज किया हैलोवीन के अगले दिन और इसकी मार्केटिंग पे कोई खर्चा नहीं किया, तभी ये कमाई नहीं कर पाई, लेकिन जब ये डीवीडी पर रिलीज हुई तो इसकी अच्छी खासी फैन बेस बन गई। नॉवल पब्लिश होने से पहले ही एरिक रेड के पास भेज दी गई थी और एरिक को ये सबसे ओरिजिनल आइडिया लगा था एक वेयरवुल्फ मूवी का। नॉवल में कहानी बताई गई है थॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मूवी में ऐसा नहीं है। कहानी तो नॉवल से ली गई, लेकिन कई सारे बड़े बदलाव किए गए, जैसे कि नॉवल में फैमिली बड़ी थी, माँ बाप, तीन बच्चे और डॉग, जब केस में है एक सिंगल मॉम और उसका बेटा, और ये इसलिए किया गया ताकि टेंशन और ज्यादा बढ़ जाए।
इस मूवी के भी दो वर्जन हैं, एक जो थिएटर में लगा था और एक जो आया था डीवीडी पर। इनमें फर्क है सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन सीन का। सीजीआई ने उसे बिगाड़ दिया था, जिससे एरिक भी नाखुश थे और उन्हें काफी हेट भी मिली थी इसके लिए, इसलिए एरिक ने वो सीन ही काट दिया। इसमें भेड़िए का अपीयरेंस और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा सिमिलर है एन अमेरिकन वेयरवुल्फ इन लंदन से। एरिक ने बताया था कि मूवी एक बैंक के साथ ओपन होनी चाहिए थी, इसलिए स्टार्टिंग में इतना गोर और रोमांस दिखाया गया और उसमें से भी कुछ सेकंड्स काटे गए, नहीं तो और ज्यादा एक्सट्रीम हो रहा था। एरिक ने बताया था कि टेड का ट्रेलर सजेस्ट कर रहा था सिल्वर बुलेट को, लेकिन किसी ने पहचाना ही नहीं। जो एनिमल कंट्रोल के वर्कर्स थे, असल में वो ही एनिमल ट्रेनर्स थे इस फिल्म के, और जो थॉर को ले जाने वाला सीन था उसने कईयों को इमोशनल किया था। इस फिल्म में तीन डॉग्स यूज किए गए, एक वो था जो हर एक क्लोजअप में दिख रहा था और वो था एक अनट्रेन्ड डॉग। एक फीमेल डॉग थी जिसे 10 साल का मूवी एक्सपीरियंस था, वो लेटने या बैठने वाले शॉट्स के लिए थी, और एक था रशियन अटैक डॉग जिसे आखिरी फाइट सीन के लिए लाया गया। मार्जरी की डेथ के लिए भी दो स्टंट वुमेन यूज की गई थी और दोनों न्यूड। टेड जेनेट का छोटा भाई था, जबकि रियल लाइफ में माइकल पारे मैरियल हेमिंग्वे से 3 साल बड़े हैं। एरिक की माने तो प्रैक्टिकल इफेक्ट सीजीआई से बहुत ज्यादा ऊपर है और मैं इनकी बात से सहमत हूँ। एरिक को पहले से क्लियर था कि एक ऐसा वेयरवुल्फ बनाना है जिसका क्लोजअप भी ले सके और ब्राइट लाइट में भी दिखा सके। ये बहुत ही कम मूवीज में आपको देखने को मिलेगा। तो ये थे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक कर देना और साथ ही कमेंट करके बताओ कि आपको मूवी कैसी लगी और भेड़िया कैसा था। क्या आपको दो पैर वाला भेड़िया पसंद है या फिर चार वाला? और फिर से वही रूल है कि जितनी जल्दी 1000 कमेंट्स पूरे होंगे उतनी जल्दी एक और वेयरवुल्फ मूवी आएगी, तो चांसेस बढ़ाने के लिए कमेंट्स जरूर करना। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि मुसीबत के टाइम पर नोटिफिकेशन भागकर आपके पास आ जाए। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।